अरे मैं सब बर्तन लेकर आई तब तो सब कुछ साफ था, फिर ये कैसे हो गया? मम्मी जी अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, मैं कर लूंगी। राशि ये देखो, खाने की प्लेट में कबूतर की बीट कहां से आ गई समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ मुझे याद आया, वो मम्मी जी आपने कहा था ना मकर संक्रांति के वो प्लेट्स ऊपर रह गई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे धो दिया और बाहर सुखाने के लिए रख दिया, सोचा कि जल्दी सूख जाएंगे, शायद तभी कबूतर ने। राशि मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा होगा। एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकती हो राशि, इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने सारी प्लेट्स धोने के बाद बाहर सुखाने के लिए रख दी ताकि कबूतर आए और इसे गंदा कर दे? तुम्हें मालूम है ना हमारे घर में बर्तन धोने के बाद तुरंत उसे पोंछकर उसकी जगह पर रखे जाते हैं। तुम्हें शादी करके इस घर में आए हुए काफी समय हो गया है, अब तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। चलो जो हुआ सो हुआ, राशि ये सारी प्लेट्स धोकर बाहर मेज पर ले आओ। चलो तब तक हम खाना बाहर ले जाते हैं। गोपी सारी पूरी निकालकर प्लेट में डालकर ले आओ। उषा टेक्सटाइल की फाइल कहाँ रखी है? वही अलमारी में। कबर्ड में रखी है? मुझे तो कहीं नहीं मिल रही। तुम चलकर वो फाइल मुझे ढूंढ कर दे दो। गोपी वाऊ जाओ और वो फाइल अहम को दे दो, फिर खाना खाने नीचे आ जाना। माय गॉड वही यहाँ पर कितनी भीड़ है, हमारा नंबर कैसे लगेगा? अरे शुभ शुभ बोल, बस नंबर सही लगना चाहिए फिर किसी का भी हो। वो तो है, है ना, तो चल ठाकुर जी का नाम लेके आगे बढ़। चलिए हाँ चल, जरा जरा हटो भाई साहब, जरा हटिए। मोटा भाई वो दूसरे वाले भाई किधर है? वो तो दूसरी दुकान पर। अच्छा अब हमें हमारी लॉटरी का नतीजा देखना था। नतीजा बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप अपने नंबर पढ़ लो। अच्छा बहन जी, आप तो कल भी बता नंबर लॉटरी ना बोर्ड पर लिखेला छे ने। अच्छा किंजल दिख रहा, जा पहले तू अपना नंबर चेक कर ले। क्या हुआ किंजल दिख रहा? नहीं फई, मैं कोई इनाम भी नहीं जीती, यहां तक कि 100 रुपए तक नहीं जीते।
जवा देने दिख रहा, शायद तेरे मुकद्दर में जीत नहीं लिखी। चल अब तू इधर आ जा, मुझे भी मेरे नंबर चेक करने दे। पर फई आप तो पहले ही चेक कर चुकी है नंबर। अरे किधर चेक किया, बोला तो था कल तो यहाँ नंबर आया ही नहीं। हाँ और शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चल चल हट इधर, मैं देखती हूँ। जरा जल्दी करिए ना। अरे जरा रुकना, मने शांति थी जोआ तो दे। हाँ अरे अगर कोई नंबर छूट गया तो देख, तूने तो 10 रुपए की लॉटरी खरीदी है पर मैंने तो 60 रुपए की लॉटरी खरीदी है ना। हाँ रुक जरा। हाँ ना ना तो शक्यच नहीं, ना ना ये नहीं हो सकता। फही फही परेशान मत होइए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इतनी उम्मीद लगा के रखना अच्छी बात नहीं, आखिरकार तो यही होना था पर आपने तो सुना ही नहीं। खैर छोड़िए चलिए। अरे मैं लॉटरी जीत गई, उर्मिला शाह लखपति बन गई, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई किचन मुझे। क्या? हाँ हाँ मैं 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत गई, मैं लखपति हो गई। अरे भाई सुनो, अरे मैं लखपति हो गई, मैं 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत गई। अरे अरे खसो, अरे खसो, वो चश्मा वाला भाई, वो मोटे वाले भाई किधर है जो उस दिन मुझे कह रहे थे कि तुम पागल हो गई हो, हाँ और मुझ पे हंस रहे थे, हंसा के कह रहे थे कि मैं पागल हो गई हूँ। अरे जरा उन्हें भी बुलाओ और बताओ कि मैं 10 लाख की लॉटरी जीत गई हूँ, मैं लखपति बन गई। बेन जरा अपना टिकट तो दिखाओ। अरे लो लो, अरे ला लिस्ट जरा। अरे हाँ ये बेन तो सच में ही जीत गई है। हाँ ना। अरे मैं लखपति बन गई, मैं 10 लाख हो गई। अरे वो लखपति थी गई, वो लखपति थी गई, लखपति थी गई। वैसे वो नीचे क्या हुआ, मॉम इतनी नाराज क्यों दिख रही थी? वो माजी ने प्लेट में कबूतर की पीठ देख ली। क्या पर कैसे? मैं आपको बताना भूल गई, सबके जाने के बाद राशि बेन को छत पे एक कबूतर दिखा और पतंग के मांझे से उस बेचारे कबूतर को चोट लग गई थी, इसीलिए हल्दी का लेप लगाने राशिबेन और मैं उस कबूतर को नीचे घर में ले आए, तो राशिबेन अनजाने में कबूतर को रसोड़ी में लेके आई लेप लगाने के लिए। वो राशिबेन को ये ध्यान से निकल गया कि माँ जी को घर में पशु पक्षी पसंद नहीं है, और वो तो अच्छा हुआ माँ जी ने उन्हें वहाँ देखा नहीं, और राशिबेन कबूतर को लेके अपने कमरे में चली गई। गड़बड़ी ये हुई कि वो रसोड़ी में एक प्लेट पे कबूतर ने पीट कर दी थी, वो माझी ने देख ली और माझी नाराज़ हो गई। राशिबेन बहुत डर गई थी तो उस समय उन्होंने बहाना कर दिया। वैसे इसमें राशिबेन की कोई गलती नहीं है। गलती तो मॉम की भी नहीं और वैसे भी उन्हें पशु पक्षी घर में लाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि पक्षी हमेशा खुले आसमान में उड़ते अच्छे लगते हैं। ऊपर से झूठ भी बोला मॉम से, गलत तो है ही ना, हम इस कबूतर को ज्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते।
वैसे तुम घबराओ मत, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। एम जी, मेरे वजह से पतंगबाजी में आप हार गए, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे मैं उन लोगों में से नहीं जो जीत के लिए एक चिड़िया की जान खतरे में डाल दें। आप चलो नीचे चलते हैं, सब लंच पे वेट कर रहे होंगे। हेतल बहु अने कोकिला बहु ब्योनी ब्यो घर मा खूब रची बसी गई छे। किस अवसर पे क्या क्या बनाना बहुत अच्छी तरह से जानती है।